प्रयागराज क्रिकेट लीग T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 का हुआ शुभारंभ। जी हां, आपको बताते चले कि यूपी के प्रयागराज जिले के गवर्नमेंट प्रेस खेल मैदान में इलाहाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के संबद्ध प्रयागराज क्रिकेट लीग T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 का शुभारंभ रहा। शुभारंभ की इस अवसर पर आस्त्रिवेड़ी लायंस और कमला पसंद इन दोनों टीमों के बीच मैच होगा। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कमला पसंद टीम के कप्तान अली जफर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इस क्रिकेट लीग के अध्यक्ष विजय प्रकाश, संरक्षक श्री देवेश मिश्रा, क्रिकेट कोच इलाहाबाद विश्वविद्यालय और मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान प्रिंस रियासत अली, निदेशक उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एवं विशिष्ट अतिथि श्री आलोक त्रिपाठी जी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं आयोजन सचिव अश्वनी जीतपाल, सचिव सचिन प्रकाश सिंह, उप सचिव केशव मिश्रा, मीडिया प्रभारी खुर्शीद अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। इन टीमों के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए हम सुनाते हैं सुशील यादव के साथ अनिल यादव की इस खास रिपोर्ट में। साथियों, जैसा कि आज प्रयागराज क्रिकेट लीग का 2021 का शुभारंभ है और आज के दिन कमला पसंद और त्रिवेणी लायंस पार्टिसिपेट कर रही है और इस पूरे लीग में 8 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं। 8 टीम में से त्रिवेणी लायंस, कमला पसंद और कानपुर बुक हाउस आदि टीमें हैं और शुभारंभ की इस घड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रयागराज प्रीमियम क्रिकेट लीग के आयोजक महासचिव अश्वनी जीत पाल सिंह। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। तो सर, आप इसे आज पहला शुभारंभ है और तो इसी विषय में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये आज हमारा प्रयागराज प्रीमियर लीग का जो उद्घाटन मैच कमला पसंद और त्रिवेणी लायंस के बीच खेला जा रहा है, बहुत ही हम लोगों ने, बहुत ही हमारे टीम के साथियों ने, खासकर विजय प्रकाश जी, सचिन प्रकाश, केशव मिश्रा, शिपाली साहब और बहुत से तमाम लोग थे जुड़े हुए थे, जो बहुत ही मेहनत किया और बहुत ही अच्छा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छा से अच्छा यह टूर्नामेंट प्रयागराज में, जो कि ये पहली बार T20 क्रिकेट लीग कलर ड्रेस में आयोजित हो रहा है। टोटल 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें से कानपुर बुक हाउस, कमला पसंद, त्रिवेणी लायंस, राणा कंस्ट्रक्शन और RNP ग्रुप, ऐसे करके टोटल 8 टीमें हैं और हम लोग कोशिश की जा रही है कि अच्छा से अच्छा बच्चों को अच्छा से अच्छा मैदान पे, अच्छी से अच्छे विकेट पे और अच्छे से अच्छे से मैच मिल सके। हमारे पास मौजूद है कानपुर बुक हाउस टीम के कोच, महिला सीनियर खिलाड़ी शेफाली साहू जी। आइए हम उनसे भी कुछ बात करते हैं कि आप पूरा परिचय। मैं रणजी ट्रॉफी प्लेयर शेफाली साहू इलाहाबाद से और अभी करंट UP खेल रही हूँ और इस समय मैं कानपुर बुक हाउस टीम की कोच हूँ। ये टूर्नामेंट के बारे में जितनी ही तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अश्विनी जीतपाल जी जो हमारे बीच अभी साथ में हमारे खड़े हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। इलाहाबाद में एक युवा क्रिकेट बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया गया, जिसके टूर्नामेंट की वजह से, जिस मैच की वजह से जो नए बच्चे जिनको मौका नहीं मिल पाता बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलने का, उनको यहाँ पर ये मैच के दौरान उनको बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलने का मौका मिलेगा, अपना परफॉर्म करने का, अपने आप को दिखाने का मौका मिलेगा। जो शुरुआत इन्होंने की है वो बहुत बड़ी शुरुआत है, आगे भी हम लोग सपोर्ट करेंगे, आगे भी हम चाहेंगे ऐसे टूर्नामेंट हम लोग को इलाहाबाद में प्रयागराज की धरती पे हमेशा खेलने को मिले और देखने को मिले। आज आप इस क्रिकेट टीम कानपुर बुक हाउस की कोच हैं, तो यहाँ तक आपके पहुँचने का, तो आप इसको कितना श्रेय देना चाहेंगे, किसको श्रेय देना चाह रहे हैं? यहाँ पे पहुँचने का श्रेय तो सबसे पहले मैं प्लेयर्स को दूंगी, जो ट्रायल में आए, ट्रायल्स हुआ, उसके बाद यहाँ के जो आयोजन सचिव अश्विनी जीतपाल जी हैं, विजय भाई हैं, सचिन भाई हैं, सबका मिल जुल के सहयोग है, जिसकी वजह से टूर्नामेंट इतना अच्छे से हो पा रहा है। तो मैं पर्टिकुलर एक लोगों का नाम नहीं ले सकती हूँ, यहाँ पर जितने लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया उन सबका धन्यवाद है, सबका सहयोग के वजह से ही आज इतना बड़ा टूर्नामेंट हो पा रहा है इलाहाबाद में। हाँ सर, आप पूरा परिचय? अखिलेश त्रिपाठी हूँ मैं BCCI का स्कॉलर हूँ और यहाँ इलाहाबाद क्रिकेट एसोसिएशन जो क्रिकेट ऑर्गेनाइज करता है, क्रिकेट ऑपरेशन करता है, तो उसमें मैं अंपायरिंग और स्कोरिंग का जो सब कमेटी है उसका चेयरमैन हूँ और मंडल क्रिकेट का ज्वाइंट कन्वेनर।
सर अभी तो आज इस क्रिकेट, और ये देखिए इसी बीच ये देखिए विकेट का पकड़, जी हाँ काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, 36 रन बनाकर 2 छक्के और चालू भी है, कमला पसंद टॉस जीत कर बैटिंग भी कर रही है इस समय। और टीमों को बनाया है 176 खिलाड़ियों के बीच, 176 खिलाड़ियों की, जैसे आईपीएल की तर्ज पर हो रहा है, खिलाड़ियों की नीलामी होती है, बोली लगाई जाती है, 8 फ्रेंचाइजीज थे, उन्होंने खिलाड़ियों को खरीदा, एक अधिकतम और एक न्यूनतम सीमा थी खिलाड़ियों की कि किस कितने से कम में बिकेगा, कितना अधिक से अधिक बिकेगा, उस हिसाब से इस क्या नाम से हम प्रतियोगिता को लेकर चले। वहाँ से जब टीम बन गई फिर हमारे ड्रेस तय हुई टीमों की, क्या ऑफिशियल जर्सी रहेगी, उसके बाद जर्सी तय हो गई, फिर हमने ट्रॉफी आप ये चमचमाती देख रहे हैं रनर विनर ट्रॉफी जो इधर लगी हुई है, ये हमने तय किया, उसके बाद इसका अनावरण हुआ, जर्सी का वितरण हुआ और आज इस प्रतियोगिता का उद्घाटन जो आपके सामने हो रहा है। देखना है जोर कितना पास में कातिल में है, आखिर देखना है कि कौन ये चमचमाती ट्रॉफी के भागीदार बनते हैं, किसके पाले में जाती है, देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़। प्रयागराज क्रिकेट लीग की शुभारंभ की इस घड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं इस क्रिकेट के लीग के अध्यक्ष विजय प्रकाश जी, आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। जी विजय प्रकाश, मेरा नाम है, मैं इलाहाबाद शहर के ही रहने वाला हूँ और मैं इलाहाबाद में हम लोग मिल के एक पूरी कमेटी जो है एक अच्छा आयोजन खेल का कराना चाह रहे थे, बहुत दिनों से सोच रहे थे और हम लोग की कमेटी ने पूरा साथ दिया। स्टार्ट हुआ हमारे पूरे प्रयागराज शहर के जो भी नामचीन और जो भी छोटे खिलाड़ी हैं ये सबके लिए जो है एक बहुत बढ़िया आयोजन स्टार्ट हुआ था, जिससे इनकी प्रतिभा जो है सामने से निखर के आए, ये इन लोगों की प्रतिभा को निखारने का और करना चाह रहे हैं। विजय प्रकाश जी, हमारे बीच टॉस भी हो चुका है और कमला पसंद टीम ने टॉस जीता है तो, और वो पहले बैटिंग करने की निर्णय लिया है, तो आप कुछ कहेंगे? बस दोनों टीमों को हमारा बेस्ट विशेज है और जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, तो दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक। जी सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस प्रयागराज क्रिकेट लीग के बारे में? जरूर, ये क्रिकेट लीग वास्तव में खिलाड़ियों के मद्देनज़र बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट है और आज प्रयागराज के क्रिकेट में एक तरीके से एक ऐसा आगाज हुआ है जो वास्तव में आज तक इलाहाबाद के इतिहास में नहीं हुआ है। इलाहाबाद को ही पहले इलाहाबाद कहा जाता था, आज प्रयागराज कहा जा रहा है और क्रिकेट के नज़रिए से देखा जाए तो इसमें बहुत सारे अनुभवी खिलाड़ी, बहुत सारे टॉप लेवल के खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन खिलाड़ियों का जो समागम है वो क्रिकेट के नज़रिए से बहुत ही बेहतरीन है और क्रिकेटर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस टूर्नामेंट के माध्यम से। सर आपका पूरा परिचय? अजय सिंह यादव, क्रिकेट कोच डॉक्टर केन कार्तिक। सामने आ जाएंगे, लेकिन 1920 लेवल पर बहुत बच्चे, 100 बच्चे हैं और 15 बच्चों को खेलना है। बहुत बार लोग आरोप लगाते हैं कि भाई ऐसा हो गया, सिलेक्टर ने मुझे नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं, जो सिलेक्टर है वो सबके लिए है, एक नज़र से हम लोग देखते हैं। यूपी क्रिकेट में हमारा ये प्रयास है, जो भी हम इतने नीचे लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैचेस कराते हैं, जोनल लेवल पर कराते हैं, फिर कैंप बनाते हैं, फिर एक और कैंप बनाते हैं, तब 10-10 मैच खेलते हैं जो बच्चे, जो अंडर 16 के बच्चे, अंडर 19 के बच्चे, जब 10 मैच खेलते हैं तब उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम में 15 में 16 में आने के लायक होते हैं। अब उसको उनके स्कोर को तो हम कहीं नहीं ले जा सकते ना, वो तो एकदम आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको सब कह दी जाएंगे इसमें ये करा इसमें ये करा, अब जो नहीं खेलेगा वो कुछ भी आरोप लगा देंगे, पर अगर आप उसकी देखेंगे सब देखेंगे तो फिर हम लोग टैलेंट सर्च प्रोग्राम कराते हैं, बहुत मेहनत करते हैं यूपी में, जो हम लोग काम कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पर कर रहे हैं, तो आप लोग इस बात से बिल्कुल मत मायूस होइए कि हमको कोई देख नहीं।